हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस द काउंसलिंग पेपर यूनिट 1 गाइडेंस काउंसलिंग, द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, द व्हिच स्टेप्स आर यूजफुल, दैट इज वर्बल, नॉन वर्बल, दैट आल्सो इन supportive and non-supportive way. Then we discuss the skills and technique of counseling. Then we discuss the significance of counseling. Today we discuss the principles of counseling. प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, सिद्धांत, परामर्श के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए काउंसलिंग के. फर्स्ट अपन दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति देना, हाँ बोलना. एक्सेप्ट द पेशेंट विथ हिज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशंस. पेशेंट को स्वीकृति देना है, जो रोगी है उसको कोई भी अवस्था में वो जैसे भी रहे उसको अपनाना है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी परिस्थिति के साथ इसको स्वीकारना है, उसको अपनाना है, उसका बात को सुनना है और उसका प्रतिकार करना है. देन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या सिद्धांत होना चाहिए संचार का. वार्तालाप करेंगे, उसका बात को समझेंगे, उसका क्या सिद्धांत होना चाहिए कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन शुड बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एंड शुड बी स्किलफुल. इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस द कम्युनिकेशन, हाउ वर्बली एंड नॉन वर्बली, दैट इज सपोर्टिव एंड नॉन सपोर्टिव वे, हाउ वी कम्युनिकेट विद द पेशेंट. So communication should be verbal as well as non-verbal and should be skillful. तो संचार का जो सिद्धांत है, शैली है, वो मौखिक एवं गैर मौखिक होना चाहिए और skillful भी होना चाहिए, कुशलपूर्वक होना चाहिए, जिसको वो संतुष्टि हो रोगी. Then principle of empathy. एम्पैथी मीन्स सहानुभूति. तो सहानुभूति का क्या सिद्धांत है, इंस्टेड ऑफ शोइंग सिंपैथी, पुट योर सेल्फ इन पेशेंट शूज एंड देन गिव रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली. उसको सिंपैथी, जो सहानुभूति दिखाने के बजाय रोगी जो हाल में है, हियर पुट योर सेल्फ इन पेशेंट शूज, जैसे रोगी को जूता में डालकर, यानी उसको समझकर वो जो हाल में है वो हाल में रह के उसको समझना है और उसका प्रतिबिंब देना है. ये सहानुभूति क्या है, एम्पैथी इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विथ ए पर्सन. जो सहानुभूति है एक व्यक्ति के साथ क्यों किया जाता है, और ये क्या है, ये पहचान कराने का एक क्षमता है कि हम आपको जान रहे हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन जज. नॉन जज न्यायाधीश नहीं, गैर न्यायाधीश. गैर न्यायाधीश का सिद्धांत क्या है, मेंटल एटीट्यूड डू नॉट क्रिटिसाइज और कमेंट नेगेटिवली रिगार्डिंग पेशेंट्स कंप्लेंट्स. जो मानसिक दृष्टिकोण है रोगी की,
रोगी जो शिकायत करता है उसका जो मानसिकता है, जो दृष्टिकोण है, उसको उसका संबंध को क्या नहीं करना है, नेगेटिवली नहीं करना है, नकारात्मक रूप में उसको टिप्पणी नहीं करना है, उसको ऑलवेज एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली, वो जो भी बोल रहा है उसको सुनना है, नेगेटिविटी उसको नहीं देना है। तो ये हो गया गैर न्यायाधीश, उसके जो बोल रहा है उसका विपरीत हमको कुछ नहीं बताना है, उसको फर्स्ट उसको सुनना है। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटियलिटी सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी, गोपनीयता का सिद्धांत, कॉन्फिडेंट होने का सिद्धांत। ऑलवेज कीप द पेशेंट्स नेम एंड द प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली सीक्रेट एंड एज्योर द पेशेंट अबाउट द सेम। हमेशा रोगी का जो नाम है और जो समस्या है उसको जान के उसको आश्वस्त रखना है, रोगी को आश्वस्त रखना है, जिसके बल पर वो उससे उबरने का साहस कर सके। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का क्या सिद्धांत है, ट्रीट ईच एंड एवरी पेशेंट एज यूनिक एंड रेस्पेक्ट हिज प्रॉब्लम एज वेल। जो है कोई भी रोगी हो उसको व्यवहार बहुत अच्छा करना है, यूनिक अद्वितीय मतलब कुछ खास खास व्यवहार उसको करना है, और उसकी जो समस्या है उसको भी रेस्पेक्ट देना है, उसको भी सम्मान करना है, वो क्या है उसका समस्या उसको सुधारना है, सुधारने के लिए उसको सम्मानपूर्वक सुनना है। देन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट गैर भावनात्मक भागीदारी, नॉन इमोशनल जो भावनात्मक है वो भी गैर भागीदारी सिद्धांत होना चाहिए। नॉट गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद द पेशेंट एंड एवॉइड गेटिंग कैरीड अवे विथ हिज फीलिंग। सो रोगी के साथ भावनात्मक रूप से नहीं हो रहे हैं और अपने भावनाओं को दूर करने से भी बचना है। रोगी के साथ जो भावनात्मक, केवल उसको भावनात्मक में रहना नहीं है, उसका भावना में अपने को बहाना नहीं है, उसको भावना को सुन के अपना प्रभावित नहीं होना है, उसको दूर करने के लिए उसको इमोशनल जो काउंसलर है उसको कभी भी इमोशनल होना नहीं है। तो ये सिद्धांत है हम लोग का काउंसलर का, काउंसलिंग करते समय उसको क्या करना है, उसको स्वीकृति देना है और संचार का सिद्धांत कराना है, फिर सहानुभूति दिखाना है, फिर जैसे हो गया गैर न्यायाधीश का सिद्धांत करना है या नहीं करना है, उसको नहीं कराना है, देन गोपनीय रखना है, व्यक्तित्व का सिद्धांत करना है, देन है आपका जो गैर भावनात्मक उसका सिद्धांत को अपनाना है, उसमें भागीदारी होना है, गैर इमोशनल इमोशनल नहीं होना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम जैसे पढ़े हो गया हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, थोड़ा कंक्लूजन देखेंगे। निष्कर्ष में द जनरल पब्लिक टेंड्स टू व्यू काउंसलिंग एज ए रिमेडियल फंक्शंस
एंड एम्फसाइजेस इमीडिएट गोल्स। आम तौर पर जैसे देखते हैं तो काउंसलर क्या है, किसी को मदद करने का काम करता है और उसका आदत रहता है क्या, उसको समाधान, समस्या का जो है समाधान करे, तनाव को दूर करे और परामर्श दे, जैसे कि सक्सेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, टेंशन रिडक्शन एंड लाइक काउंसलिंग में रिफर टू द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्प्लिक्ट और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तत्क्षणक क्या करते हैं, कोई भी समय परामर्श दे सकते हैं, समस्या को हल करा सकते हैं और कोई भी विशेष परिस्थिति या संघर्ष आने से वही समय पर तत्कालिक अपने कुछ लक्ष्यों द्वारा उस समस्या को समाधान कर पाते हैं। काउंसलिंग इन इट्स स्पिरिट एंड एसेंस इज जेनरेटिव, इट एम्स एट असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू डेवलप सच दैट ही बिकम साइकोलॉजिकल मैच्योर एंड इज कैपेबल एट रियलाइजिंग हिज पोटेंशियलिटीज ऑप्टिमली। जो भावना है उसका और लास्ट में जो परामर्श, भावना को भावना में ना बह के जो परामर्श देते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को, व्यक्ति का जो मानसिक है उसको विकसित करने में मदद करता है। उसके द्वारा जो वैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से जो रोगी पेशेंट है वो स्ट्रांग बन जाता है और अपनी जो उसका अपना स्किल्स है, कौशल है, उसको अच्छा विकसित करने में, बेहतर ढंग से उसको करने में सक्षम होता है। द सेकेंडरी स्कूल काउंसलिंग नीड्स ए मीनिंगफुल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट विद द शॉर्ट टर्म नेचर एट स्कूल काउंसलिंग। तो माध्यमिक स्कूल में भी परामर्श का जरूरत होता है, लेकिन वो अल्पकालिक प्रकृति होता है, शॉर्ट टर्म नेचर। स्कूल का जो परामर्श होता है वो अल्पकालिक प्रकृति होता है और उसके साथ साथ वो एक सार्थक एवं रियलिस्टिक यथार्थवादी का व्यवहार का एक ठो ढांचा बना देता है। काउंसलर जो है कि एक ढांचा बना देता है यथार्थवाद का, जिसके द्वारा वो शॉर्ट टर्म काउंसलिंग करते हैं, अल्पकालिक प्रकृति के दौरान, हाँ, बीच बीच में वो काउंसलिंग करते रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द सेकेंड बुलेट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ओके, थैंक यू।